सिर्फ विकास होना चाहिए मोकामा में। मैं मोकामा के बेटी हूँ, बहू कहीं बाहरी नहीं है, हम मोकामा के हैं। बाहरी आके जीत के चले जाते हैं, ना कोई विकास करते हैं, ना कुछ करते हैं। 17 साल से विधायक थे, आज तक क्या किए हैं? ना पानी का व्यवस्था है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, क्या है मोकामा में? मोकामा में सिर्फ विजय विजय विजय, कमल खिल जाएगा। बिहार के दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम कल सामने कर दिए। गोपालगंज से बातचीत करें तो पूर्व मंत्री रहे और साथ ही साथ पूर्व विधायक रहे मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को खड़ा किया गया। और दूसरी तरफ कल मोकामा की बातचीत करें, चूँकि मोकामा बिहार के इन दो उपचुनावों में सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, वहां पे उन्होंने सोनम देवी को खड़ा किया है। सोनम देवी की बातचीत करें तो सोनम देवी जदयू से बागी हुए ललन सिंह की पत्नी हैं और उनको कल टिकट दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने के लिए मिला था। कल हमने आपको इंटरव्यू भी दिखाया था और उनके पति ललन सिंह से भी बातचीत की थी, लेकिन आज जब सोनम देवी को टिकट मिल गया है तो सोनम देवी काफ़ी खुश है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मोकामा की जनता के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने मुझ पर विश्वास किया है मोकामा की जनता की सेवा करने के लिए। सुनिए सोनम देवी क्या कुछ कह रही हैं, कि क्या कुछ अपील कर रही हैं कि जब वो विधायक बन जाएंगी तो मोकामा की जनता के लिए क्या कुछ सौगात लेकर के वो जाएंगी। यही है कि सिर्फ विकास होना चाहिए मोकामा में। मैं मोकामा के बेटी हूँ, बहू कहीं बाहरी नहीं है, हम मोकामा के हैं। बाहरी आके जीत के चले जाते हैं, ना कोई विकास करते हैं, ना कुछ करते हैं, इसलिए सिर्फ विकास 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 चाहिए मोकामा में। आप महिला हैं, आपको लगता है कि घर और रानी दोनों आप संभाल पाएंगे? जी संभाल लेंगे, महिला क्या नहीं करती है, आपको पता है ना जी। महिला दुनिया में क्या क्या कर रही है सर, बहुत कुछ कर सकती है। तो मतलब इस बार मुद्दा जो है वो सिर्फ विकास का विकास है, कोई जातीय समीकरण ये सब नहीं वहाँ पे काम करेगा। विकास है, 17 साल से विधायक थे, आज तक क्या किए हैं? ना पानी का व्यवस्था है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, क्या है मोकामा में? आप जीते आते तो जीत जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आज 2 साल 4 साल 5 साल होता है तो फिर आते हैं घूमने के लिए कि वोट दीजिए, अलियो गलियो करके जाते हैं। आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम क्या? पहला काम है हॉस्पिटल पहले होना चाहिए कि कोई बेगूसराय पटना दिल्ली बम्बई कोई नहीं जाए, मोकामा में होना चाहिए। अच्छा, भाजपा से टिकट मिलेगा इसकी उम्मीद थी आपको? जी नहीं, ये अचानक से मिला? अचानक मिल गया, मतलब बीजेपी का सर्वे था। अच्छा, जो भी था हमको मिल गया, बहुत खुशी है। मोदी जी का धन्यवाद, संजय जायसवाल जी हैं, नड्डा जी हैं, सबका धन्यवाद जो हमको इस लायक समझे कि टिकट दिया। मोकामा में सिर्फ विजय विजय विजय, कमल खिल जाएगा। तो आपने सोनम देवी को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोकामा में सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। मोकामा में अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहला काम अस्पताल बनवाना, वहां की सड़कों को दुरुस्त करवाना ही होगा, क्योंकि 17 साल जिन लोगों ने मोकामा को बर्बाद किया है उनको हम अब ठीक करने के लिए उतर चुके हैं। मोकामा की बेटी हैं और सेवा में तत्पर रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।